हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है भाई आप सब अच्छे होंगे और एकदम मस्त मस्त होंगे। वेलकम बैक टू स्टार्स गेमिंग चैनल। तो दोस्तों आज हम फिर से खेलने वाले हैं फार्मिंग सिमुलेटर 19 और ये मैप का नाम है भाई, क्या नाम था भाई, इंडियन फार्म मैप, यार मैं भूल ही गया था तो इसे बनाया था भाई राजपूत भाई ने। बहुत ही शानदार मैप है, बहुत ही बढ़िया टेक्स्चरिंग और कोई लैग वैग नहीं है। तो आज हम करने वाले हैं एक ट्रैक्टर की टेस्टिंग जो कि भेजा है बना के बेंस गेमर ने, और इस ट्रैक्टर का मॉडल भाई बहुत ही बढ़िया बनाया है। तो मेरे पास हैं दो ट्रैक्टर, पीछे खड़े हैं, चलते हैं उनके पास इधर को। तो इस ट्रैक्टर का मॉडल आपको पता ही है, पुराना है, न्यू हॉलैंड 3630 और ये है नो ब्रेक्स एडिशन। तो नो ब्रेक्स एडिशन भाई एक ग्रुप है जो टोचन वोचन करते हैं उनका ग्रुप है, तो ये है नो ब्रेक्स ग्रुप वालों का। और सबसे खास बात देखो यार, इसका सिलेंसर इसका सिलेंसर भाई ने सामने की तरफ कर रखा है, बिल्कुल मेरे मुंह की तरफ देख रहे हो तो सिलेंसर ऐसे निकला हुआ है। तो इसमें दो एडिशन है भाई ने बनाए हैं, एक है ट्रैक्टर वेट के साथ जिसके आगे वेट लगाए, पता नहीं कितने किलो का है, कोई अंदाजा नहीं है क्योंकि उसमें कुछ लिखा नहीं है, और एक है भाई बिना वेट का। तो इसके अंदर वूफर लगे हुए हैं अगर देखें तो भाई 6, तो दो ऊपर लगे हैं खड़े वाले और नीचे वाला जो है भाई लेटा हुआ यानी कि बाहर को निकला हुआ। और भाई ये है भाई की लोगो बेंस गेमर, BANS बेंस गेमर। तो जाओ यार भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, भाई ट्रैक्टर वगैरह बनाता रहता है अच्छे अच्छे से। तो चलते हैं पहले बिना वेट वाले के अंदर और अपने बंदे को निकालते हैं बाहर। आ गया भाई, चल भाई मुंडे चख दे फट्टे नप दे किल्ली, आ देख दें दे भाई शीशे देखो ऊपर लाए हुए बड़े बढ़िया। इधर स्पीकर नज़र आ रहा है, इधर भाई इधर भी स्पीकर नज़र आ रहा है, थोड़ी सी पहाड़ी इधर लेकिन स्पीकर नज़र आ रहा है ओके। और सिलेंसर देखो भाई, और इसकी स्पीड देखो हो भाई 107 की। तो एक बार चलते हैं जरा अपने दुकान के अंदर, शॉप के अंदर, आपको दिखा देता हूँ इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह। तो यहाँ पर भाई ने गलती से 3630 लिख दिया लेकिन ये 3630 है। तो ये है भाई इसका आगे वेट, अगर मैं वेट नहीं लगाऊंगा तो इसमें ये फ्रंट लोडर अटैच की आती है ऑप्शन, लेकिन यार ये नज़र नहीं आ रही कहाँ पर। और सिलेंसर मैंने भाई से पूछा, यार सिलेंसर शायद गलती से ऐसा है, वो कह रहे नहीं भाई ऐसे ही बनाया। तो धुआं मतलब सामने इधर को मारेगा दुश्मन के मुंह पे, तो सामने अगर कोई होगा तो उसके मुंह पे धुआं जाएगा। और ये है भाई, भाई ने बनाया ट्रैक्टर और इसके अंदर टायर लगा रखे हैं भाई ने, एक ये और एक ये आग वाले फायर स्टोन। तो फायर स्टोन के नहीं लगाएंगे, मैंने नॉर्मल वाले लिए हैं। और भाई ये अगर देखें तो इसमें दूसरे भी हैं वेट वाले लेकिन मैंने लिए नॉर्मल वाले, ठीक है। और इसकी हॉर्स पावर है भाई 710 की, तेल का टैंक है 150 लीटर का यानी कि डीजल का, और स्पीड है भाई 110 की। बल्ले बल्ले चकते फटे, लो भाई अब 110 की स्पीड पर ये देखते हैं आज इस ट्रैक्टर के साथ क्या क्या होने वाला है। और आवाज़ भाई बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। और यार कई बार क्या होता है कि ट्रैक्टर की आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है तो मेरी आवाज़ थोड़ी दब जाती है, तो किसी ट्रैक्टर की आवाज़ बहुत कम होती है, किसी की बहुत ज़्यादा होती है तो दिक्कत हो जाती है। तो चलते हैं इसको लगवाते हैं एक जंप पहले बेंस गेमर को, बेंस गेमर के भाई के ट्रैक्टर को। और स्पीड इसकी बढ़ रही है धीरे धीरे, जेट डाला इसने गियर, और इसका हॉर्न मैंने लगाया बहुत बढ़िया सा भाई ट्रेन का। और इसकी स्पीड भाई बहुत धीरे बढ़ रही है, थोड़ी सी और तेज करनी पड़ेगी। तो ये जा रहा है अभी साइड से, देखते हैं इसको कितना जंप मारने वाला है, 72 की स्पीड पर जंप मार रहा है। ये ज़्यादा ऊँचा जंप नहीं लगा पाया क्योंकि भाई ओहो हो जंप इतना बढ़िया नहीं था। एक काम करना पड़ेगा, एक रुक जाओ थोड़ा सा इसको आगे ले चलते। तो अगर भाई गेम की साउंड आपको ज़्यादा लग रही है तो यहाँ जाकर और इसमें जाकर गेम की साउंड को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने कम कर दिया, बहुत ज़्यादा हो रही थी शायद। तो इसकी स्पीड एक सेकेंड देखता हूँ कितनी होती है टोटल। तो स्पीड भाई ने मुझे इसकी स्पीड सही करनी पड़ेगी, 76 से ऊपर नहीं जा रही। तो इसकी स्पीड इतनी है 76। तो स्पीड के लिए भाई ने गियर रेशियो जो है सही नहीं रखी, थोड़ी सी गड़बड़ है स्पीड में। फुल स्पीड 110 की होती, 107 की भी होती तो बहुत अच्छा जंप लगता। एक जंप और लगवाते हैं, देखते हैं एक बार। अब फुल स्पीड इसकी 76 की है और ये खड़ी हुई अपनी इंडियन आर्मी जीप, चमक रहे हैं टायर भाई उसके, देखो मैंने खड़ी कर दी यहाँ पर। और अब जा रहा है 77 पे, थोड़ा सा स्पीड बड़ी है, थोड़ी सी हल्की सी। ये गया, ये अब मारा कुछ अच्छा बढ़िया जंप। ये ओहो भाई बहुत ही हैवी ट्रैक्टर है, टस से मस भी नहीं होता जब गिरता भाई, हिलता भी नहीं जरा सा। और सिलेंसर देखो यार, सबसे बढ़िया मुझे इसका लगा सिलेंसर, और मोटे मोटे टायर है भाई इसके अंदर। अब ले चलते हैं इसको अपने प्लो के पास भाई, 5 मीटर 10 मीटर का प्लो,
और भाई अपने सारे ट्रैक्टर यहाँ पे खड़े हुए, देखो यार अपनी जीप चमचमा रही है, हेलो स्वराज, फार्म ट्रैक, जॉन डियर, भाई महिंद्रा, अर्जुन, और देखो अर्जुन, अरे ये 415 है, और यह भाई सोनालिका, और यह भाई अपना फोर्ड, देखो भाई फोर्ड था, फार्म ट्रैक था यार, अच्छा ये फार्म ट्रैक है, पीछे फोर्ड था, मैंने गलत समझ लिया भाई, बहुत दिन से चलाए नहीं है तो थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा, तो इसको लगाते हैं, अगर कोई दिक्कत होगी, अगर ये बाई चांस आगे से खड़ा होगा तो मैं फिर वेट वाला लेके आऊँगा, वेट मुझे लग रहा है होगा 1.5-2 हज़ार किलो का। चलो भाई लगाने वाले हैं इसके साथ 500 मीटर का, ओ सॉरी 5 मीटर का हेडर नहीं, 5 मीटर का प्लो, भाई क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ, पता नहीं कहाँ पर ध्यान है मेरा, तो चलो कोई बात नहीं, इसको खोलते हैं नीचे करके, और एक्स से अनफोल्ड करेंगे, ये क्या होगा भाई, ये खुला क्यों नहीं, अच्छा अच्छा पहले नीचे होगा, नहीं खुलेगा भाई, पहले खुलेगा फिर नीचे होगा, तो लो भाई कर दिया डाउन, और भाई इसकी ट्रैक्टर की लाइटें तो चेक ही नहीं करी, ये क्या है, तो लाइटें जल तो रही हैं लेकिन ये लाइटें आगे लगी हैं, लेकिन भाई ने लाइटें, एक मिनट, तो अच्छा लाइट है लेकिन कहीं पर नज़र नहीं आ रही, चलो और इसके देखते हैं वूफर शूफर, लाइट फाइट, इंडिकेटर, नहीं भाई कुछ नहीं जल रहा, कुछ नहीं चल रहा, एक सेकंड कुछ नहीं चल रहा, तो हॉर्न इसके अंदर था नहीं, पुंगी हॉर्न था, मैंने ये लगा दिया, ओके भाई तो चलते हैं इसको लेके, 5 मीटर का ब्लो, आवाज़ भाई ओरिजिनल एकदम सकती थी इसकी, ये लो चला मैं 5 मीटर का प्लो लेके 5 की स्पीड पे, टिंग 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 टिंग, लो भाई 5 की स्पीड पे जा रहा है, इंजन की सेटिंग करनी पड़ेगी, 710 हॉर्सपावर का इंजन है और उसकी सेटिंग सही तरह नहीं करी और स्पीड की सेटिंग भी नहीं करी, तो भाई ने सिर्फ डिजाइन पे ज़्यादा जोर दिया है, स्पेसिफिकेशन और टॉर्क वगैरह पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी भाइयों से थोड़ा टॉर्क वर्क भी सही रखा करो, स्पीड भी सही रखा करो, जितनी स्पीड लिखते हो उतनी तो होनी ही चाहिए, तो 5 पे खींच रहा भाई, ओके छोड़ दे इसको, और सिलेंसर इसका निकल रहा है आगे, देखो धुआं मार रहा है आगे को, काला काला धुआं यार खेतों में जा रहा, तो ये लोगा है भाई का, अच्छा लोमड़ी बना रखी है, ये लोमड़ी सी बनी है भाई, तो अब लगाते हैं इसको 10 मीटर पे, 10 मीटर का प्लो, भाई इसने जब 5 मीटर का इतने पे खींचा है 5 पे, तो इसको कितने पे खींचेगा अभी देख लेते हैं, अभी पता लग जाएगा, चल मुंडे हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को इंग्लिश क्या, तो ठीक है ना कहावत ऐसी थी ना, चलो जो भी थी आप समझ लेना, मुझे कमेंट में बताना कैसे थी खोलते हैं प्लो को, 10 मीटर का प्लो खुलने लगा अपना, बहुत ही बड़ा प्लो है भाई, बहुत ही लंबा ज़बरदस्त, बहुत हैवी, ये खुल चुका प्लो, करते हैं इसको डाउन और ले चलते हैं थोड़ा सा पास, चल भाई मुंडे ला दे जोर, लो बैक कर दिया मैंने स्टार्ट, 1 पे 0 पे, ओ भाई पूरा जोर लगा रहा 36, पूरा जोर लाया मुंडे ने एकदम, नहीं भाई और स्टेरिंग पकड़ के बैठा दोनों हाथों से, कोई भाई ट्रैक्टर भाग ना जाए तो 1 पे खींच रहा भाई, 1 पे 1 पे 1 पे 1 पे, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, आ जाओ थोड़ा आगे, आ जाओ थोड़ा आगे, लेके आते हैं नीचे करते हैं, फिर दबाते हैं क्रूज मोड, हो सकता है वहाँ पे अटक रहा हो, कोई बात नहीं भाई टेस्ट कर लेते हैं एक बार अच्छी तरह, 1 पे चल 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 चल, वो खच दे मुंडे हूँ गुस्सा ना दिला मैनू, नो ब्रेक्स, तो 36 नो ब्रेक्स मॉडल, नो एडिशन, और ये भाई का नाम लिखा बैंस, ओके बैंस गेमर, बैंस गेमर, चल भाई आजा 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 मेरे काके, आजा आजा, शोर ना पा भाई, शोर ज़्यादा मचा रहा है, काम कम कर रहा है, मतलब खींच नहीं रहा, और इंजन का भाई फुल पूरी आरपीएम चल रही है, पूरा टॉर्क लगा हुआ है लेकिन खींच नहीं पा रहा, चल भाई खींचा ना खींचा भाई एक बराबर, तो ये छोटा प्लो खींच सकता है, बस 5 मीटर का भी नहीं खींचा इसने, इसके साथ 3-4 मीटर का प्लो लगाना पड़ेगा, हाँ लेकिन अगर इसका टॉर्क वगैरह अच्छा कर दिया जाए तो भाई ये अच्छा हो सकता है, तो यार अभी इतना टाइम नहीं है इनको सबको मॉडिफाई करने का, वैसे तो मैं आराम से कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं तो इसको ऐसा कर दूँगा 300 मीटर का, तो 30 मीटर का प्लो भी खींच लेगा, 300 मीटर का कोई प्लो नहीं होता भाई, 30 मीटर का होता चलो ये अभी 24 मीटर का कल्टीवेटर, देखो भाई कैसे खुल रहा है, जैसे भाई बड़ी बड़ी मूछें होती हैं और गोल गोल से घूम के ऊपर को जाती हैं,
मूछें हों तो नथुलाल जैसी हों वरना ना हों। तो ये नथुलाल की मूछों जैसे घूमता, तो तुम देखे होना भाई सिंगा दियाँ मूछा बढ़िया बढ़िया। चलो भाई इन लाने ऐदा, ये खुलता और बंद होता है ऐसे ही देखो शानदार तरीके से। ये देखो थोड़ी सी मूछ ऐसे ऊपर नीचे होती है ना, एक सिंगर है ना जिसकी वो मूछें ऊपर रहती हैं भाई, मुझे नाम नहीं पता उसका, नाम बताना भाई, बड़ा सोना लगता है। दाढ़ी दुड़ी रखी है, मूछाँ हैं मोटियाँ मोटियाँ भाई। चलो ओके, करते हैं मूछों को साइड में, अब इसको करते हैं नीचे और करते हैं इसको क्रूज मोड से ऑन। ये चला भाई दो पे तीन पे। तो ये जैसे मैंने आपको कल परसों मैंने करा था ना, वो न्यू कौन सा था, मैसी फर्गुसन था ना भाई, 680 HD, सेम है ये ट्रैक्टर इसका और उसका इंजन सेम है। इन दोनों का टॉर्क स्पीड ऊपर नीचे थोड़ी है, लेकिन इसका टॉर्क और उसका टॉर्क सेम है। उसने भी इतने पे खींचा था, लो भाई एक पे खींच रहा है भाई। बहुत मुश्किल ज़िंदगी, बहुत मुश्किल ज़िंदगी, ये है मेंटोस ज़िंदगी। मेंटोस कंपनी का नाम ऐड नहीं करने कर रहा मैं भाई, और मेंटोस वालों मेरे पीछे मत पड़ जाना, तुम्हारा नाम ले लिया था भाई। एक पे खींच रहा, बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत मुश्किल हो रही है। मार पैडल, और एनिमेशन वगैरह नहीं डाला भाई ने, देखो पैडल नहीं मार रहा। तो जो बाहर के लोग हैं ज़्यादा एनिमेशन, वो बहुत ध्यान रखते हैं एनिमेशन का, लेकिन हमारे हम नहीं रखते, हम कम डालते हैं एनिमेशन, लेकिन एनिमेशन हो तो मज़ा आता है। तो यार ये क्या हो गया, ये प्लो का कलर अभी अभी सिल्वर कैसे हो गया था? अच्छा धूप के साथ भाई सिल्वर कलर लग रहा है, ऐसा लग रहा है बीच में से सिल्वर हो गया। नहीं भाई बहुत मुश्किल, इससे छोटा प्लो छोटा कल्टीवेटर खींच सकता। एक काम करते हैं इसको खड़ा कर देते हैं। ओके भाई ठीक है भाई, खड़ा हो जा, इसको लेके देखता हूँ, हो सकता है इससे कोई थोड़ा सा फ़र्क पड़े। एक बार इसे भाई एक बार टेस्ट कर लेते हैं, अपने पास है तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। आगे वेट लगा भाई, तो हो सकता है थोड़ा प्लो खींच दे। तो उसने खींचा था एक पे बड़ी मुश्किल से, इसको देखते हैं। आ जा भैया, ओके ले लग गया भाई। ओके नीचे करते हैं प्लो को और तीन दबा देते हैं। वेट लगा है लेकिन वेट से भाई कोई फ़र्क नहीं है। नहीं भाई कोई फ़र्क नहीं है, इसने भी नहीं खींचा। ऊपर करते हैं एक बार, देखते हैं लेके भागता है, थोड़ा सा भाग रहा है, नीचे कर देंगे। अरे भाई बंद कर दो दरवाज़ा यार, क्या चक्कर है तुम्हारा। तो नहीं भाई छोड़ो, मुश्किल मुश्किल ज़िंदगी भाई इसकी बहुत। तो नहीं खींचा इसने भाई ने, और थोड़ी सी पावर की इसमें कमी है, पावर बहुत दे रखी है भाई ने लेकिन टॉर्क कम है। चलो ओके अब लगाते हैं भाई इसके साथ पहले, क्योंकि यार इसके आगे वेट नहीं है तो मज़ा आएगा। तो खड़ा होगा ना भाई, ट्रैक्टर से टंगा ऊपर ना हो तो तब मज़ा नहीं आता। आई मीन खड़ा होना अच्छा लग रहा। चलो कर दें पीछे, ओ इधर तो नज़र ही नहीं आना भाई, यहाँ से तो नज़र नहीं आएगा आगे, क्योंकि भाई वूफर लगे हैं बहुत तगड़े तगड़े, लेकिन गाना नहीं चल रहा भाई, गाना नहीं चला सकते नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा, फिर वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ले चलते हैं इसको अपनी मशीन के नीचे सीट स्टेशन, और मुझे लग रहा है यार अभी भी ज़्यादा है इसकी आवाज़ बहुत, मेरी आवाज़ कम आ रही है। एक सेकंड, तो यहाँ लगा के इसमें डालते भाई गन्ना, जल्दी से गन्ना डाल दूँगा इसमें पूरा गन्ना, तो मैं एक तो 5 लाख खींच लेगा। तो देखता हूँ एक मिनट, और आवाज़ यार एक मिनट, ट्रैक्टर की मुझे लग रहा है ठीक ही होगी, बाकी पता नहीं, वो तो वीडियो बनने के भाई, वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद ही पता चलता है आवाज़ कैसी है। तो गन्ना गया भाई इसके अंदर 2.5 लाख, 3 लाख, 3 लाख गन्ना लेके जा रहा है भाई आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 3 लाख गन्ने के साथ 36 फर्स्ट क्लास, नो प्रॉब्लम है। और कटिंग भाई बहुत बढ़िया हो रही है, बहुत ही फर्स्ट क्लास, एकदम धांसू, कट गया भाई फुल वाइट, अभी तक फर्स्ट क्लास है। ओ इसकी आवाज़ बीच में कैसे चेंज हो गई थी। तो ले चलते हैं इसको एक बार इसके नीचे दोबारा से ट्रॉली के पास, बस काफ़ी बस ला दे ब्रेक का, हूँ कितने जाए जन्ना। अब डालेंगे भाई इसके अंदर 1 लाख और, 3, 4 फिर 5, 2, 1 मिनट, लो भाई 4 लाख और, 36 चक दे फट्टे फट्टे ने चकने तो बलियाँ चक दे, अरे कुछ तो चक दे काके भाई। 4 लाख गन्ने के साथ बहुत बढ़िया कटिंग हो रही है भाई, इसके आसपास मारते हैं चक्कर,
36 के आसपास, बहुत ही शानदार। वो देख रहा है हमें, वो कह रहा है मुझे नहीं लिया, कोई बात नहीं, गुस्सा हो रहा, कोई बात नहीं भाई, देर को भी ले लेंगे, अभी टेंशन ना ले। अब लगाते हैं इसको यहाँ पर और डालते हैं इसके अंदर गन्ना फुल भाई, फुल कर देंगे 5 लाख, 5 लाख गन्ना भाई। ये तो जरा सा भी दबा नहीं, हल्का सा दबा है, बहुत ही कम। इसकी हिच भाई बहुत ही बढ़िया है, ओके फर्स्ट क्लास, नो प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं, बहुत ही शानदार तरीके से खींचता हुआ यहाँ पर 36, नो ब्रेक्स एडिशन, और ये जा रहा है सीधा। लो भाई 5 लाख गन्ने के साथ पास हो गए, क्या कटिंग हो रही, शानदार, बहुत ही शानदार। लो भाई इधर से मर्जी काट लो, फर्स्ट क्लास। चलो गन्ने में डालते हैं वापस साइलो के अंदर, क्योंकि अभी नहीं चाहिए, अभी मंडी में बेचनी है, अभी टेस्ट हो, आ जाओ भाई। और भाई ऊपर भी ले आया चढ़ा के देख लो। चलो भाई गन्ना गया अंदर साइलो के, अब चलते हैं इसको लेके इधर, आ जाओ, नीचे से निकालेंगे इसको भाई। उधर को जगह जरा सही है ना, ज़्यादा जाने के लिए। तो पिछली बार 9-11 को लाया था भाई, उसने भंगड़ा पाया सी बहुत बढ़िया, झटके मारने लगा था। अब भरेंगे इसके अंदर भाई कनोला जल्दी से, और इसके लिए चलते हैं थोड़ा सा वापस। कनोला आ गई, कनोला मैं इसके अंदर पहले डालूंगा 2 लाख, थोड़ा सा बीच में डाल देंगे सेंटर में भाई, ना आगे ना पीछे, क्योंकि सेंटर में डालने से सही रहेगा, उससे ये इसका बैलेंस बन जाएगा। लो भाई 2,10,000 भाई, क्या ज़बरदस्त है ये, फर्स्ट क्लास कटिंग। एक मिनट मैं अंदर से देखता हूँ, सही हो रही है भाई, फर्स्ट क्लास। इस खंबे के पास से ओ आ की होया भाई, आ की होया सी, उचक के हो रहा, उचक उचक उछल उछल के चल रहा ट्रैक्टर, जानदा छलांगा मार रहा, 36 नो ब्रेक छलांगा ना मार भाई। वूफर देखो कितने बड़े हैं भाई, मेरे सिर तो 10 गुना बड़े हैं, देख रहे हो, बंदा कुछ भी नहीं लग रहा देख भाई, आदमी हमारा प्लेयर छोटा सा लग रहा है, बच्चे की तरह। चल भाई कटिंग हो गई बहुत बढ़िया, 2 लाख के अंदर, लेकिन उछलने लगा आगे से, इसके पहिए उठ गए आगे से हल्के से, कोई बात नहीं, अभी दूसरा ट्रैक्टर खड़ा उसको भी ले आएंगे, वो वेट वाला, इसीलिए तो उसके ले रखा है। ओके ओके बस बस बस, अब इसके अंदर डालेंगे 1 लाख और 3 लाख, 3 लाख लौना के साथ भाई का टेस्ट हो, अभी खड़ा हुआ था थोड़ा सा, चलो खींच दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मैं कहा बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। टायर अंदर घुस चुके हैं जमीन के, देख लो अटक गया, एक ये क्या हुआ, वो आ की हो गया, अभी तो चल रहा था पीछे, चल ओ भाई, ओ फर्श के ऊपर टायर स्लिप कर रहे हैं, खेत में ले जाना पड़ेगा। सिलेंसर धुआं काला काला मार रहा है बहुत तगड़ा, चल पड़ा चल पड़ा चल पड़ा, छत्ती थी, चल 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 चल, 2 पे 3 पे 4, हाँ, और कटिंग देखते हैं, अभी कटिंग अभी नहीं होगी, रुक जाओ पहले खेत में ले चलता हूँ इसको एक बार, कटिंग कटिंग करूँगा तो स्पीड बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। ओ ओ भाई सिलेंसर नए स्टाइल का लगाया भाई ने, देखो ऐसा सिलेंसर अभी तक किसी ने नहीं लगाया, लेकिन अब इसको देखने के बाद सब भाई ऐसे ही लगाएंगे क्योंकि हिंदुस्तान में आदत है लोगों को। अच्छा चलो भाई इधर मोड़ दें, नहीं कटिंग नहीं हो, बहुत मुश्किल, 3 लाख कनोला के साथ बहुत मुश्किल हो गया काम, कटिंग हो रही है बहुत मर मर के, कट रहा है लेकिन बहुत लंबा चक्कर मारेगा ये। चल 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 मोड़ दे, नहीं भाई एक काम करते हैं इसको छोड़ देते हैं, उसको लाते हैं भाई को, उसके आगे वेट लगाएं, उससे देखते हैं वेट से क्या फ़र्क पड़ता है, वेट से कटिंग में दिक्कत होगी कि नहीं होगी। चल भाई बैग ले चलते हैं इसको, फर्स्ट क्लास सा, इधर से काट दे काट दे काट दे काट दे, और थोड़ा सा गलत कर दिया, थोड़ा आगे ला, चल पीछे, ओके लो भाई मार के टपूसी चढ़ गया। चल ओ ये क्या हुआ, ओह अब चल, ओ इंजन जोर नहीं लगा रहा भाई, क्रूज मोड इज ऑन, क्रूज मोड ऑन है देखो, अब चला 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 चला, अब लगाया, अब बनी हॉर्स पावर,
भाई वेट से फर्क पड़ गया, सही कटिंग होने लगी थोड़ी सी, पहले से सही होगी। चल 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 वापस डाल दे इसको, साइलो में डालना भाई वापस, लेकिन लगता है डाल नहीं पाए। तो आरपीएम जा रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, हॉर्स पावर बनती है टूटती है, बनती है टूटती है, ऐसे हो रहा। चल भाई चल 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 खींच दे। हाँ ट्रॉली भाई नीचे लग चुकी है जमीन से, देखो ट्रॉली का भाई नक्का नीचे लग गया कुंडा उसका, बहुत मुश्किल हो रही है। देखते हैं अगर इसने साइलो में डाल दिया तो 2 लाख 9 लाख खींचेगा भाई ये। तो भाई जो जो ट्रैक्टर बनाते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हॉर्स पावर और स्पीड के ऊपर ध्यान दो थोड़ा सा। चल 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 चल, नहीं भाई बहुत मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, कोई इसे खींच के दिखाए ना, नहीं बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल, अब फंस गया ये। चला 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 भाई, गुस्सा भाई जोश में आता है थोड़ी देर बाद। ये देखो ये अब रुक गया, अब इसकी अगर देखो हॉर्स पावर नहीं बन रही है, गड़बड़ है, ये नहीं होनी चाहिए ऐसी, वो हमेशा फुल स्पीड पे होनी चाहिए। एक मिनट इसको रोकते हैं, नहीं एक मिनट क्रूज मोड ऑन करता हूँ, देखो क्रूज मोड ऑन है लेकिन ट्रैक्टर के अंदर हॉर्स वो नहीं, आरपीएम नहीं बन रहे, हॉर्स पावर नहीं बन, देख रहे हो अब ये नॉर्मल खड़ा, अब बन रही, देखो देख रहे हो अब बन रही, ये गड़बड़। उठा उठा थोड़ा सा, नहीं चलो छोड़ो, 3 लाख नहीं खींच पाएगा भाई, कोई ट्रैक्टर और लाना पड़ेगा। तो चलते हैं दूसरे ट्रैक्टर के अंदर, एक और ये कौन सा खड़ा है भाई, फार्म ट्रैक, चलो इसको ले चलते हैं, देखते हैं तो खींच लेगा। इसका हॉर्न कैसा था, भाई लो भाई, ओ बस बस बस, ओ फार्म ट्रैक बस, कितने जा रहे हैं तुम, कहे मासी के घर चलना, पता नहीं कहाँ जा रहा है भाई ये, कहाँ जा रहा है। तो इसको लगाते हैं भाई, इसको कटिंग देखो यार क्या शानदार है। चल भाई खींच दे ये, लो भाई कौन कहता है कि फार्म ट्रैक नहीं खींचता, देखो ये है इसमें हॉर्स पावर एकदम बढ़िया, आरपीएम हॉर्स पावर देखो सब बढ़िया। तो चलो इसको डाल देंगे वापस, इसके साथ टेस्ट मैंने करा हुआ है, अगर आपने देखा नहीं है तो वीडियो जाकर देख सकते हो। भाई मैंने सारे ट्रैक्टरों को टेस्ट करा है और देखो ये खड़ा होगा तो भाई फार्म ट्रैक भी जा रहा है, छलांगा मारता हुआ तो ट्रॉली को वापस कर देते हैं, भाई को दे देते हैं, अभी उसको टेस्टिंग और करनी है गाजर के साथ। ओके ठीक है भाई, तूने काम कर दिया और तू यहाँ पर खड़ा हो जा। तो फार्म ट्रैक है देखो क्या जान है भाई, अपने ट्रैक्टरों के अंदर हॉर्स पावर बढ़िया है। तो अगर हॉर्स पावर के बारे में भाई आपको नहीं पता, थोड़ी सी नॉलेज नहीं है, कम है या नहीं पता, तो आप कोई अच्छे अच्छे ट्रैक्टर देखो जिसके अंदर हॉर्स पावर अच्छी हो, तो उसको कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर सकते हो, लगा सकते हो। तो मैंने आपको टिप दिया है एक अच्छी बहुत मॉडिफिकेशन की, तो आप ऐसे करके उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलो इसको लगाऊंगा मैं पहले, तो दोनों ट्रैक्टरों में सेम ही हो रहा है, कोई खास फर्क नहीं है वेट से। तो इसको लगाते हैं, आप करते हैं भाई गाजर का टेस्ट। तो कनोला इसने खींची भाई ने 2 लाख, तो मतलब 2.5 लाख खींच देगा, अगर आप मतलब कोशिश करोगे 2.5 लाख भी खींच देगा। आप कोशिश कैसे करोगे, आपको तो मोड भाई हम तो लिंक देते नहीं है, क्योंकि ये भाई बैंस गेमर ने बनाया, आप अगर चाहो तो वहाँ जाके अगर वो भाई दे देगा आपको तो ले सकते हो उसके चैनल से, ठीक है। तो यहाँ लगाते हैं अब इसको गाजर के साथ, आज गाजर भरते हैं इसके अंदर जल्दी से फटाफट, लास्ट टेस्ट करते हैं इसका। ओके लो भाई अब चलते हैं गाजर के पास, अपनी गाजर लाल लाल सी, लाल लाल गाजर, ओए आजा कितने गई, वो तो कितने चली गई भाई, पीछे निकल गई लगता, एक मिनट, हाँ यार गाजर यहीं होनी चाहिए थी, ओ ओ आ गई आ गई आ गई, यहाँ पे है देखो कम वक्त, कहाँ छुप के बैठी है, कहाँ छुप के बैठी है भाई, लंबी पतली सी होती कहीं भी घुस के छुप जाती मैं इसमें, ओ यार चलो 2 लाख डाल दिए अब तो कोई बात नहीं, एक मिनट लो भाई 2 लाख गाजर डाली। तो मैं कह रहा था गाजर मूली क्या होता है, लंबी पतली होती हैं, कहीं भी छुप जाती हैं बोरी के नीचे इधर। अब जैसे भाई प्याज हो गया और जैसे बंद गोभी हो गई, वो मोटी होती हैं, वो कहीं भी छुप नहीं सकती इसीलिए वो ज़्यादा कटती हैं। ओ भाई भाई 2 लाख गाजर खींच दी इसने, भाई 2 लाख गाजर के साथ फर्स्ट क्लास चल रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। एक मिनट भाई एक मिनट रुक जा, दूरबीन लगा लो दूरबीन, अरे कहाँ गई मेरी दूरबीन, ये रही ओ भाई, बहुत ही गदर भाई, गदर गदर, बहुत ही गजब बोलना था, गदर बोल दे, चलो जवान फिसल गई थी।
तो दो अलग गाजर के साथ भाई कटिंग, अच्छा अच्छा कटिंग हो रही है, हो रही है भाई, फर्स्ट क्लास हो रही है, टनाटन कटिंग हो रही है फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो गाजर भी इसने दो लाख खींच दी, तो यार फिर तो मज़ा ही आ गया, और क्या चाहिए। तो अगर लेकिन इसकी हॉर्स पावर सही कर दी जाए, टॉर्क वगैरह सही कर दिया जाए, तो भाई ये 10 लाख गाजर भी खींच लेगा। तो अब लाते हैं, अब मैं इसके अंदर 50,000 और डालूंगा, यानी कि 2.5 लाख, क्योंकि गाजर बहुत हैवी होती है भाई। 2,58,000 गाजर, और इसको यहीं से काटने की कोशिश करता हूँ पहले ही, क्योंकि मुझे पता है कटिंग नहीं होती फिर बाद में। तो यार ये कनोला तो इसने खींची नहीं 2 लाख बड़ी मुश्किल से, और गाजर खींच रहा, मतलब कनोला भी आराम से 2 लाख खींची थी, और गाजर भी इसने 2 लाख ऐसे खींच दी जैसे कुछ है ही नहीं। तो बढ़िया, अच्छा काम कर रहा। ओह अब हुआ ये खड़ा, अब रुक गया। अब देखो हॉर्स पावर RPM अभी बिल्कुल भी टूट नहीं रहे, तो अभी सही काम कर रहा। जब तक ये RPM बंदे रहेंगे, हॉर्स पावर ट्रैक्टर को देता रहेगा पीछे से, तो ये चलता रहेगा। देखो और थोड़ी देर पहले क्या हो रहा था कि ये इसका इंजन बंद हो रहा था बार बार। तो गाजर भाई 2 लाख खींचेगा, 2.5 लाख खींच रहा है, लेकिन देखो अगर आप ऐसे बेचने जाओगे मंडी पे, तो भाई 6 महीने बाद वापस आओगे घर पे, तो कोई फायदा नहीं होगा। जनानी और गाला कर दोगी तो मोया कितने मारेगा सी, कड़े टॉयज डग पे आसेगा, गाजरा बेचन गया सी 6 महीने बाद आया। तो ऐसे काम मत करना, 2 लाख लेके जाना आराम से, 30-40 की स्पीड पे जाएगा और भाई एक हफ्ते बाद आ जाएगा। ओके भाई ओके, चल बाकी तो चल लिया। वो भाई एक बार इसमें पूरी भरते हैं, देखते खड़ा होता है कि नहीं होता। चल कटते हो ना, चल 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 चल, शाबाश 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 भाई। कटिंग नहीं हो रही भाई, कटिंग मैं वहाँ से करने की कोशिश कर रहा हूँ उसको, और अभी तक ये कटा नहीं है। देखो कटिंग हो नहीं रही है, तो एक काम करते हैं, इसकी कटिंग नहीं हो रही तो खुद करवा देते हैं। ओ यार एक मिनट, मैंने ज़रा बंद करा हुआ फ्लाइट हुड। ओके आ जा भाई, तो इसको लाते हैं पकड़ के इधर को। ओ फाल भाई पकड़ क्यों नहीं रहा, अच्छा अच्छा भाई गलत बटन से दबाऊंगा तो कैसे पकड़ेगा, एक मिनट भाई ऐसे नहीं आएगा, इसका बम्पर को पकड़ो। ओ बम्पर नहीं पकड़ रहा, टायर पकड़ रहा नहीं, एक मिनट भाई, अरे नहीं भाई ट्रॉली को पकड़ लेते हैं, ट्रॉली को पकड़ के ट्रॉली को इधर करते हैं। अब आया उसके नीचे, चला जाएगा, थोड़ा ट्रैक्टर सीधा कर लेते हैं, एक मिनट अब ठीक है, चलो अब चलते हैं भाई। भाई ऐसे नहीं तो ऐसे सही करना पड़ता है काम। चल अब देखो फिर हॉर्स पावर नहीं बना रहा, अब काम कर रही है, गड़बड़ है ट्रैक्टर के अंदर थोड़ी सी। हाँ अब बना रहा, चल 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 थोड़ी बनी बनी बनी, हाँ अब खींचेगा। तो इसको सीख लो एक बार अच्छी तरह भाई, फिर आपके ट्रैक्टर 5-5 लाख गाजर आराम से खींच लेंगे। 700 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है और देखो खींच नहीं पा रहा। तो मतलब मॉडिफाई करा हुआ ना भाई हमने, अगर मॉडिफाई करके भी इतना माल नहीं खींचेगा तो भाई फिर क्या फ़ायदा मॉडिफिकेशन का, फिर तो नॉर्मली सही है 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर, वो भी 1.5 लाख गाजर तो वो भी खींच ही देगा। चलो इसको चलते हैं लेके नीचे, इसमें पूरी गाजर भर के देखते हैं खड़ा होता भाई कि नहीं होता, खड़ा करने की कोशिश करते हैं इसको, तभी तो आएगा नज़ारा प्यारा प्यारा। चल भाई ले आ ले आ ले आ, धीरे धीरे आ रहा धीरे धीरे आ रहा, अभी थोड़ी देर में आने वाला नज़ारा मिलेगा। पहिए उठ रहे हैं थोड़े थोड़े, देखो कभी कभी उठते हैं, छलांगे मारता उचक उचक के, कटिंग कटिंग कटिंग, काट दे काट दे, इधर को इधर को इधर को इधर को, यार कटिंग नहीं होती इससे भाई से, ये प्रॉब्लम है। एक मिनट, ओ यार ज़्यादा ही कटिंग करवा दी, एक मिनट यार, बस ठीक है। ओ बस छोड़ दे हूँ, ओह यार ये हाथ भी चिपक ही जाता, चल छोड़ दो। ओके भाई आ गया नीचे, हाथ हो गया, चल 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 चल, हाँ बनी 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 बनी, बना बना पावर बना पावर, पावर नहीं बन रही, एक मिनट इसको हटाते हैं, देख रहे हो ये चीज़ है। इस पहले ट्रैक्टर के अंदर मैंने देखा है जिसमें थोड़ी सी हॉर्स पावर की गड़बड़ है। HP ले आ ले आ ले आ ले आ ले आ, थोड़ा सा हो गया बस, जरा सा बस,
थोड़ा सा और चल 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 धोखा ओए पीछे भाग रहा है भाई, आगे जाने के बजाय पीछे जा रहा है। चल यार भाई बहुत देर हो गई। ओ नहीं भाई, भाई चल ही नहीं पा रहा आगे यार, पीछे चल भाई पीछे ना आगे। वो कह रहा मैं नहीं जाऊंगा, अटक गया। चल 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 थोड़ा सा कट कर लिया, लिया लिया आगे 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 इधर कुछ काट भाई, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या? बाकी ट्रैक्टर तो चलते हैं यार, ये नहीं चल रहा भाई, आगे नहीं जा रहा यार। एक मिनट रुक जाओ, आगे क्यों नहीं जा रहा? इसको ले चलता हूँ, इसको ले जाके भाई उसके पीछे टक्कर मारता हूँ थोड़ी सी, इसको आगे करने की कोशिश करता हूँ। ए ओ भाई थोड़ी सी टक्कर मारी मैंने, थोड़ा सा इसको खिसकाने के लिए ताकि ये अपनी जगह से थोड़ा खिसक जाए। यार एक तो ये रुक जाता है। हाँ चल चल चल, नहीं भाई इससे नहीं होगा, इससे ना होगा। अबे तू ही खींच ले भाई, ट्रॉली को पकड़ के आगे करना पड़ेगा बस ठीक है भाई ऐसे काम भी करने पड़ते हैं कभी कभी। एक मिनट सीधा कर लो भाई, ट्रैक्टर टेढ़ा होगा तो ऐसा भी कभी कभी हो जाता है भाई, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। ओके तो अब डालते हैं। अबे यार गाजर डालने को बोला था, कूदने को नहीं बोला था। देखते हैं भाई खड़ा होता है कि नहीं ट्रैक्टर, भाई इंजन तो सॉलिड है। नहीं भाई 4 लाख हो गई, और भरते हैं 5 लाख डाल दी भाई, खड़ा नहीं हुआ एक बार भी, टस से मस नहीं हो रहा। दरअसल हॉर्स पावर नहीं बन रही। एक मिनट क्रूज मोड ऑन करता हूँ और चल 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 खींच दे। नहीं बहुत बहुत मुश्किल जिंदगी है। नहीं, नहीं ओके भाई तो इतनी गाजर खींचेगा भाई, ये 2 लाख गाजर, 2 लाख कनोला, और इसकी हॉर्स पावर में बहुत गड़बड़ है। तो मैं जो जो मोडर हैं, जो जो मोडिंग करते हैं, उनसे बोलना चाहता हूँ कि भाई इसके टॉर्क के ऊपर ध्यान दो, स्पीड के ऊपर ध्यान दो, इसको सही तरह बनाओ ताकि भाई अच्छा अच्छा ट्रैक्टर बन सके। ओके दोस्तों ये था आज का गेम प्ले, भाई थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा शायद, सॉरी यार क्योंकि ये चल नहीं रहा था। मैंने बहुत कोशिश करी इसको चलाने की लेकिन बहुत मुश्किल से चला, फिर मुझे हाथ से पकड़ के इसको आगे करना पड़ा। तो बताना कैसा लगा इसका गेम प्ले, और जो मैंने आपको बोला है टिप्स वगैरह दी हैं वो उसका ध्यान रखो यार, वैसे काम करो ठीक है। अपनी इंडियन कम्युनिटी, गेमिंग कम्युनिटी का भाई नाम ऊपर लेके जाना है, हमें नीचे लेके नहीं जाना। ओके दोस्तों बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। 3 बजे होगी BGMI की लाइव, तो तैयार रहना जिस जिसको खेलनी है। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।